हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए अगेन न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। करंट फीलिंग, आज की एनर्जी क्या रहने वाली है आपके पार्टनर की और आपकी, क्या एनर्जी होगी, क्या कंबाइन एनर्जी होगी, क्या एक्शन होने वाले हैं। तो व्यूवर्स, आज हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, सभी जोडिक साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड किसी एज ग्रुप के, आप सभी से देख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो गाइज ऊपर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, तो व्यूअर्स चलिए देख लेते हैं आज की क्या एनर्जी है आपकी और आपके पार्टनर की। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प करिए, बताइए आज की करंट एनर्जी क्या है व्यूअर्स की और इनके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। ओके, सो लेट्स सी, आपकी तरफ से देखते हैं पहले। थिंकिंग मैन, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन एंड व्यूअर्स वी हैव जर्नी। ओके, आपके पार्टनर का देखते हैं आज की क्या एनर्जी आपके पार्टनर की। ओके, सो वी हैव अटैचमेंट, सिक्स चक्रा एंड रिवर्स द वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस की। कुछ टैरो से देख लेते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज डिवाइन बताइए आज के क्या एक्शन है, क्या एनर्जी है इनकी और इनके पार्टनर की, क्या कुछ होने वाला है इन दोनों के रिलेशनशिप में। प्लीज डिवाइन गाइड करिए, क्या एक्शन लेंगे वो इनसे रिलेटेड, प्लीज हेल्प करिए। व्यूअर्स के एक्शन क्या होंगे, क्या सोच है इनकी आज, प्लीज हेल्प करिए। ओके, सो लेट्स सी, पहले आपकी तरफ से देखते हैं आपके क्या एनर्जी है। द सन की एनर्जी आपके लिए, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड एंड व्यूअर्स वी हैव द मून की एनर्जी। ओके, पार्टनर की देखते हैं आपकी, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए। नाइन ऑफ कप्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स एंड व्यूअर्स वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज हेल्प अस डिवाइन, प्लीज गाइड अस, क्या होने जा रहा है आज इन दोनों को, इन दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, रिवर्स और इनके पार्टनर के रिलेशनशिप के अंदर, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके, हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ सोर्ड दो बार आपके लिए आ चुका है, नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स एंड रिवर्स वी हैव किंग ऑफ सोर्ड। ओके, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ सोर्ड एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स। ओके, मैं पहले कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो आज सबसे पहले चलिए आपके पार्टनर की बात करते हैं। ओके, क्योंकि गाइज आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे थोड़ी स्ट्रांग इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ और मेरा डिसीजन ठीक है। ओके, सो व्यूअर्स यहाँ पे ये एनर्जी सबसे पहले तो मुझे ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके पर्सन गाइज जैसे कि ये इस समय आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है, ये बात आज पूरे दिन चलने वाली है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह पे करेक्ट हूँ, मेरी जो एक नीड रही है, क्योंकि गाइज मैं अगर यहाँ पे देख पा रही हूँ जो मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर एक एक स्ट्रांग कनेक्शन ज़रूर नज़र आ रहा है किसी अदर पर्सन के साथ में, आपके पर्सन का, और वहाँ पे एक एक फिजिकल कनेक्शन है दोनों के बीच के अंदर, ठीक है। और आपके पर्सन उस पर्सन के पास गए हैं, वो अपनी एक नीड के लिए गए हैं, उनको उस पर्सन के साथ में अच्छा लगा, उनके साथ में मतलब ओपन अप होना, ठीक है, आप चीज़ यहाँ पे समझ सकते हो ना वैसा। तो वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन रही थी
और मैं वहाँ पे क्यों गया या क्यों गई। तो ये जो कार्ड है विवर्स आपके पर्सन का एक एक मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्लियर करता है कि वो जो आपके पर्सन है ना, वो अपनी इस डिज़ायर को, वो उनको खुद पता है कि वो क्यों गए हैं, स्टिल वो उसको करेक्ट मानते हैं, उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल जायज़ है और वो इसको कर सकते हैं एज़ पर उनकी इंटेंशन के अकॉर्डिंग। ओके सो व्यूअर, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो ये कार्ड है वो ये दिखाने की कोशिश कर आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड, वो उसको बिल्कुल जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं और दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, ऐसा उन्हें रियलाइजेशन है आपके पर्सन को, पर स्टिल वो उसको देख के भी जैसे कि अनदेखा कर रहे हैं, है ना। वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी, लेकिन ये चीज़ें गाइज हैं आपके पर्सन के दिमाग के अंदर, उनके दिल के अंदर, जैसे उनको फ़र्क पड़ा ही नहीं और वो उन चीज़ों की तरफ खींचते ही चले गए, उनको उस चीज़ की तरफ अट्रैक्शन, उस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा फील हुआ कि वो जैसे कि एक किसी की तरफ ऐसा होता है ना, जैसे चुंबक वाला, लोहा और चुंबक, तो आपके पर्सन ने एक 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 लोहे का काम किया है, मैग्नेट वो पर्सन रहा और आपके पर्सन के पास में वो एक एक इंटेंशन थी उस पर्सन की तरफ जाने की, इसीलिए गाइज आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस पर्सन की तरफ खींचे चले गए और आपके साथ में कनेक्शन उनका थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कमज़ोर होता चला गया। तो वो चीज़ें गाइज यहाँ पे आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन गाइज एक ऐसी एनर्जी लेके चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो खुद को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा यंग, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, चार्मिंग और यंग पर्सनैलिटी मानते हैं, उनको ये लगता है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ और मेरी ये नीड है और मुझे ये सेटिस्फाई करनी है। ओके तो देखो, कुछ लोगों को ये रीडिंग बहुत ज़्यादा अटपटी लग सकती है, बट ये रीडिंग गाइज यही दिखाते हैं आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड कि वो क्या फील करते हैं थर्ड पार्टी की को लेके, उनकी तरफ उनकी इंटेंशन क्या रही है जाने की, तो वो यहाँ पे आज आपके पर्सन के दिमाग से निकल के इस रीडिंग में निकल के आई है। ओके तो आपको भी पता है ये क्यों चल रहा है और ये रीडिंग भी वही बता रही है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन को आज कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा उन्हें ये भी लगा है कि वो कहीं ना कहीं दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और ये उनको भी पता चलने लगा, जैसे कि पहले उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, वो उनको पता था वो मतलब खींच रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं और वो उनको वो जो ये अट्रैक्शन है उसको किस तरफ लेके जा रहा है। आज आपके पर्सन का गाइज ये जैसे कि विजडम चक्र एक्टिव है ना, क्राउन मतलब थर्ड आई चक्र एक्टिव है, तो इंसान क्या करता है, जब थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है तो इंसान को अपना अपना कार्य, जो इंसान जो अपना वर्क करता है उसका विजुलाइजेशन कर सकता है, उसको इवेलुएट कर सकता है, आने वाला फ्यूचर देख सकता है या फ्यूचर को उसमें क्या हो सकता है, किस तरफ वो जा रहा है, क्या वो एक्शन उसके हो रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे पड़ रहा है और अदर लोग जो उसकी लाइफ से कनेक्टेड है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आपके पर्सन गाइज आज कहीं ना कहीं इनको देख पा रहे हैं। आज आपके पर्सन के जैसे कि दिल में एक फीलिंग आई है गिल्ट वाली, ओके एक गिल्ट वाली फीलिंग है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि उनको लग रहा है कि हाँ वो भी कहीं ना कहीं एक एक ऐसी राह पे जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें नहीं जाना चाहिए था और उन्हें आपके साथ में जो कनेक्शन था ना, एक स्ट्रांग कनेक्शन, उसको कहीं ना कहीं उन्हें ब्रेक नहीं करना चाहिए था, उन्हें ये रियलाइजेशन जैसे कि हुआ है बहुत ज़्यादा, जैसे हम किसी का एक एक एस्पेक्ट होता है, एक लाइफ होती है या एक कम काम करते हैं, ठीक है, तो उसका हम पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम हम समटाइम नहीं देख पाते, उसका सिर्फ हम पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज आपके पर्सन के लाइफ में क्या है व्यूअर्स, आज आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ में अपने कनेक्शन को एक एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं या देखेंगे जहाँ पे उसके वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही थ्रेड्स वो उसके देखेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे और यहाँ पे गाइज उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे आपके पर्सन एक एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक रोमांटिक प्रपोजल है, एक न्यू लव एक्सपीरियंस के साथ में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या है, वो उनको क्या चाहिए, आपके पर्सन की गाइज सबसे बड़ी नीड ही है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहते हैं और आपके पर्सन गाइज जैसे कि आज उनको ये लगने लगा है कि मैं कहीं ना कहीं एक रॉन्ग वे में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे पॉज हो जाना चाहिए, ये जो मेरी सेल्फ सेटिस्फैक्शन है मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रही है, तो मुझे पॉज होके अपनी फैमिली के पास में मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गाइज मेरे पास 10 ऑफ कप्स का ही कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, जो मैंने आपको दिखाया था फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी है, अपना ट्रू लव की एनर्जी है,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एनर्जी है, अपनी अपनी उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एनर्जी को दिखाता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप सोशली कनेक्ट होते हो और जो सोशली रूप से एक्सेप्ट किया जाता है. ओके, तो गाइज वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप आपके पर्सन गाइज जैसे कि अपने ट्रू लव की तरफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ, अपने परिवार की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, जैसे कि रुक गए हैं, वो पॉज हो गए. सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइज पॉज एनर्जी है, जैसे कि इंसान अपने ही किए हुए कामों को एनालाइज करता है, रुक के देखने की कोशिश करता है कि मेरी लाइफ में मैंने जो अब तक किया है उसका क्या इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे, और मेरे साथ साथ मेरे जो रिलेटेड हैं जो पर्सन उनके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या मुझे इन चीज़ों को अभी इसमें कुछ सुधार करना चाहिए या मुझे इनको कंटिन्यू करना चाहिए. तो व्यूवर्स यहाँ पे जैसे कि कुछ रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ में गाइज, क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी में नजर आ रही है, क्योंकि गाइज ये इसके नीचे की एनर्जी है. जो यहाँ पे ये पर्सन आ रहे हैं टेन ऑफ कप्स को लेके, वो एनर्जी गाइस फाइव ऑफ वैंड्स की है. आपके पर्सन की लाइफ में वहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट हो गई है जो इनको आसपास इनको प्रेशराइज कर रही है. तो ये अंडर प्रेशर गाइस मुझे जैसे कि लग रहा है, ये अंडर प्रेशर रहने वाले पर्सन नहीं है कभी भी, किसी के इम्पैक्ट में नहीं आते हैं. ये हमेशा अपनी अपने दिल की करते हैं, जो इनका विजडम काम करता है, जो इनका दिल काम करता है, आपके पर्सन वो करते हैं. तो आपके पर्सन ने जैसे कि एक डिसीजन लिया है खुद से फाइट करके, खुद को एनालाइज करके, जैसे खुद से ही जंग चल रही है आपके पर्सन की, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है. जैसे और गाइस इसी वजह से आपके पर्सन ने पॉज लेके यहाँ पे अपने परिवार की तरफ देखने की आज कोशिश की है. ओके, तो एक गुड न्यूज़ है व्यूअर्स आपके लिए. काफ़ी ज़्यादा एक टेंस एनर्जी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक होप मैं ज़रूर कहूँगी इसे आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि गाइस आपके पर्सन को जैसे कि ये लगने लगा है कि मैं एक रॉन्ग वे में कहीं ना कहीं जा रहा था या जा रही थी, अब मुझे पहले पॉज होके समझना चाहिए कि मेरे लिए ये डायरेक्शन, ये रिलेशन ठीक है या नहीं है. ओके, अब बात करते हैं व्यूवर्स आपकी, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली नज़र आ रही है, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ आपको इस थर्ड पार्टी की वजह से लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है. आपके पर्सन के आपके ऊपर ध्यान ना देने से, आपके रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान ना देने से, और आपको जैसे कि ऐसे भी लग रहा है व्यूवर्स जैसे कि आपको बहुत कुछ अकेले ही मतलब लेके चलना पड़ रहा है. आप अपने परिवार की जिम्मेदारी की बात करें या फिर अपने अपने करियर की बात करें या अपने फ्यूचर की बात करें, आप कहीं ना कहीं सबको समेट के आके लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं इसमें फेल हो रहे हैं, आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. आपका एक तो करियर भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए एनर्जी, क्योंकि हर एक इंसान एक सा नहीं होता है, कोई वर्किंग है, कोई हाउसवाइफ है, या कोई ऐसे ही अभी स्टूडेंट भी हो सकता है. तो आप कहीं ना कहीं अपने या तो करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जितना आपको आप मेहनत करना कर सकते हैं, ठीक है, जितना आप एफर्ट्स लगा के अर्न कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को एक अच्छा बना सकते हैं, उतना आप एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे, क्योंकि आपका ध्यान कहीं ना कहीं हमेशा लौट फेर के इस पर्सन के पास में आ जाता है. और आपकी लाइफ में आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ओके, तो आपके लिए एक एडवाइस भी यही है कि आप इन चीज़ों से कहीं ना कहीं सबसे पहले तो अपनी अपनी एनर्जी को बाहर निकालो, अपने आप को बाहर निकालो, अपने माइंड को स्टेबल करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने लगे हो. आई थिंक गाइस कुछ लोग ऐसे भी इस रीडिंग के अंदर हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है. आप किसी के पीछे अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा क्यों खराब कर रहे हैं, जो आप ये टाइम अगर सपोज करो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप खराब कर रहे हैं कि आप किसी से प्यार नहीं करते, कभी किसी से प्यार करो तो टाइम खराब करना नहीं होता. सबसे पहली बात तो मैं अपने वर्ड वापस लेती हूँ ये कि आप टाइम खराब कर रहे हैं. लेकिन गाइज मैं यहाँ पे ये आपको बता दूँ कि आपकी लाइफ में जो टेंशन चल रही है ना, बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेके चल रहे हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उससे आप बाहर निकल सकते हैं बहुत ईजिली. इसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि आप अपने टाइम को किसी ऐसी जगह पे लगाना स्टार्ट कर दी जिससे आप भविष्य को अच्छा बना सकते हैं. ओके, तो एक बेहतर सलूशन आपके लिए यही है कि आपका भविष्य अच्छा हो सकता है, क्योंकि गाइज मेरे पास यहाँ पे एक सन की एनर्जी है. सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेके लाइफ में आता है, जहाँ पर लाइफ में आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हो. ओके, तो नेगेटिविटी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी, जहाँ पे लाइफ में
इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि अपने भविष्य तक को नहीं देख पाता है, आज में फंस के रह जाता है, पास्ट में फंस के रह जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है व्यूवर्स, आज अपने पास्ट की एनर्जी को या अपने पास्ट इम्पैक्ट को, पास्ट वाली सोच को, एक नेगेटिव सोच को रिलीज करके लाइफ में एक नई पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ें। और आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि गाइस मुझे ये जो कार्ड है ना हाई प्रेस्टिस का, ये आपको बोलता है कि लाइफ में बैलेंस बनाना सीखिए। सबसे पहले तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक ही सिचुएशन में स्टक रहना या एक ही बात में ज़्यादा सोचना हमेशा लाइफ को पीछे धकेलता है। तो पीछे नहीं धकेलना है, बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। दिल के साथ आप चलते हैं तो दिमाग को भी साथ में लेके चलिए, कि दिमाग अगर कोई काम आपसे कहता है या कोई डिसीजन लेने के लिए आपसे कहता है तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। ओके व्यूअर्स, क्योंकि गाइज मेरे पास एक कार्ड और है द थिंकिंग मैन का। आपके पास गाइज एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मुझे आज नज़र आ रही है जहाँ पर आपको गाइज समझना होगा कि वैल्यूबल क्या है आपके लिए। क्या ये पर्सन इतना ज़्यादा वैल्यूबल है, या आपका फ्यूचर आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है, या आपकी ये लाइफ आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए देखो, पॉजिटिव साइन तो मुझे इस पर्सन की तरफ से नज़र आ ही रहा है, क्योंकि ये फैमिली की तरफ ध्यान दे रहा है। लेकिन आपके लिए गाइज यहाँ पर ये है कि आप एक नई जर्नी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो इस पर्सन के साथ ही हो या आपको अपनी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट करनी हो। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि जो मैंने अभी सेप्टेम्बर वाली रीडिंग करी थी गाइज, मुझे वो रीडिंग मेमोराइज इस समय होके आई है कि गाइज आपके लिए एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। आज जैसे कि 1 सितंबर है, तो आपकी लाइफ एक आज के दिन से नई शुरुआत होगी, नई जर्नी आपके स्टार्ट होने जा रही है। आज के दिन से आप इस नेगेटिव टेंशन वाले माहौल से आप बाहर निकलेंगे, लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, खुशियों के साथ में, रिलैक्सेशन के साथ में। और सबसे बड़ी जो गाइडेंस इसमें आपको मिलेगी वो है आपके खुद के दिल से। ओके, तो आपको डिसीजन लेना होगा यहाँ पे। ओके, अपनी लाइफ को खुद आपको बनाना होगा, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, तो सबसे पहले आप सच झूठ में, अपने लिए सही गलत में, सामने वाले पर्सन में और अपने आप में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपनी वैल्यू को अप करना है, किसी के लिए अपनी वैल्यू डाउन नहीं करनी है। वो पर्सन आता है वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी वैल्यू डाउन क्यों कर रहे हैं, है ना? तो वैल्यू को डाउन करना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि गाइस अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तो सामने वाले पर्सन को अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन आप कैसे कराओगे। ये पर्सन ऑलरेडी गाइस इस तरह का नेचर रखता है आपका पर्सन, जो ये अपनी वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जो इंसान अपनी वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, वो आपकी वैल्यू क्या करेगा, यानी आपको अपनी वर्थ बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आपको इस रिलेशनशिप में स्ट्रांग होकर सामने आना है, अपनी वैल्यू को सामने पूरा रखना है और अपना होल्ड बनाए रखना है इस रिलेशनशिप के अंदर लाइफ टाइम के लिए, तो आपको इस काबिल बनना ही होगा, अपने आप को स्ट्रांग करके दिखाना ही होगा। आपको इसके लिए मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से आप हमेशा डाउन ही रहोगे। ये पर्सन कभी भी आपका दिल दुखा के जा सकता है, कभी भी आपको हर्ट कर सकता है, दो बातें सुना सकता है। तो आपको स्ट्रांग बनना होगा कि इसकी दो बातों का इम्पैक्ट भी आप पे ना हो। ओके, तो इसकी कही हुई बातों को आप इग्नोर करना भी सीखिए, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, इसकी नेगेटिव बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, चाहे वो अपने करियर में हो या अपनी पर्सनैलिटी में हो। ओके, तो आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। आप एक नेगेटिव आउटकम से गाइज बाहर आइए। मैं आपकी राशि गाइज में यहाँ पर आपको बताऊँगी, सबसे पहले गाइज इस कार्ड से बताऊँगी। ओके, मेरे पास गाइज ये कार्ड जो बता रहा है मेष राशि। ओके, मेष राशि है, मिथुन राशि है व्यूअर्स मेरे पास, और मेरे पास गाइज इस रीडिंग के अंदर राशि है कर्क। तो गाइज ये राशि मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जो ये पर्सन की रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी ये आप हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, टॉरस की राशि भी है गाइज इस कार्ड के अंदर, मुझे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैमनी लिब्रा एक्वेरियस तो है ही है, इसके अलावा भी और बहुत सारी राशियां हैं जो आज इन्वॉल्व होके आई हैं। ओके, वीनस किसी का बहुत वीक नज़र आ रहा है। जब किसी का वीनस वीक होता है, यानी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना कंपलसरी हो जाता है, ये मान के चलिए,
तो आपको सबसे पहले तो अपने वीनस को स्ट्रांग करना है। वीनस आप खुद होते हो, आप अपने अपनी अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दोगे, आपका वीनस ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को खूबसूरत बना के रखो, ठीक से मेंटेन करो, टेंशनों से रिलीज करो, ठीक है। अपनी खूबसूरती पे ध्यान दो, अपने अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दो, शांत रहने की कोशिश करो, और अपने आउटलुक के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, अपने घर पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। ओके, जहाँ पर भी आप रह रहे हो आपका वीनस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप ये कर सकते हैं। कुछ और राशि मैं आपको यहाँ बता दूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस मैंने इस राशि में भी बोली थी, ओके, इस कार्ड की राशि में भी। तो टॉरस हो सकता है आपका, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके व्यूअर्स, तो ये, हाँ यही राशि है व्यूअर्स आपके लिए मेन, जो मैंने आपके लिए बताई है। आपके पार्टनर की राशि मैं आपको बता दूँ आज, आपके पार्टनर की भी गाइस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकती है आपके पर्सन की राशि। ओके ओके जी, ये राशि का ग्रुप निकल के आया आपके पार्टनर की तरफ से। ओके व्यूअर्स, अगर आपके साथ में रीडिंग आज की रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं गाइस कुछ आपके लिए और कार्ड साथ निकालूंगी, क्योंकि मुझे भी आपके बारे में और जानना है। प्लीज़ डिवाइन बताइएगा क्या होगा इन दोनों के रिलेशनशिप का, आज का इम्पैक्ट आज क्या रहेगा इस रिलेशनशिप के ऊपर, आज की एनर्जी का प्लीज़ गाइड करिए। थिंकर, हायर पावर, एंड व्यूअर्स वी हैव ऑल दैट ग्लिटर, एंड एक और कार्ड है मेरे पास। ओके, एंड व्यूअर्स वी हैव डीप नोइंग। गाइज ये जो कार्ड है ना, ये नसीब का कार्ड है, आपके नसीब का कार्ड है। जो नसीब आपकी लाइफ में, गाइज जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना इंसान की लाइफ में, ऊपर वाले ने लिखी होती है, अब चाह के भी उसे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आप उसे मोल्ड तो कर सकते हो पर उसे चेंज नहीं कर सकते कम्प्लीटली। तो गाइज यहाँ पर आपके पास एक हायर पावर मुझे नजर आ रही है कि आप अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं गाइज मोल्ड कर सकते हो, अपने आप को गाइज एक ऐसी एनर्जी में ला के खड़ा कर सकते हो जहाँ पे गाइज आपके लाइफ में खूबसूरती होगी, जहाँ पर आपकी लाइफ में सक्सेस होगी, जहाँ पर आप हायर पोजिशन के ऊपर बैठे हुए होंगे। ओके, सो यहाँ पे गाइज आपको यही है कि ज़्यादा सोचने से बेहतर है, ज़्यादा थिंक, मतलब एक थिंकिंग की एनर्जी है ना व्यूअर्स, आप हर समय रिग्रेट, हर समय सोचना, हर समय परेशान होना, रोना, फ्रस्ट्रेशन, इस एनर्जी से आप बाहर निकलो। ओके, और अपनी लाइफ में एक्शन लो, एक्शन बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, और ये डिवाइन गाइज मैसेज है आपके लिए, ठीक है। डिवाइन आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को खुद डिफाइन करो, ठीक है। कुछ चीज़ें ज़रूर मैं यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए लिखी हैं, पर उसके साथ में कनेक्ट होने के लिए आपको एफर्ट्स खुद लगाने पड़ेंगे, आपको अपनी डेस्टिनी के रास्ते खुद क्रिएट करने पड़ेंगे डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपनी लाइफ में टॉप पे पहुँच सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए एफर्ट्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। ज़्यादा परेशान होने से बेहतर है कि अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लो। ओके व्यूअर्स, कहीं ना कहीं गाइज देखो आज आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि आपका पर्सन गाइज कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आ सकता है, ताकि आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सको। क्योंकि गाइज आपके लिए, आपको ये डिवाइन ही मैसेज है कि आपको एक नई राह पे आपको डिवाइन लेके जाना चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं अपनी जर्नी आप खुद स्टार्ट करें। ओके, वो यही चाहते हैं कि आप स्टार्ट करो, शुरुआत तो करो अपनी तरह से अपनी लाइफ को क्रिएट करने की, मेहनत आप करो, फल मैं आपको दूंगा और उम्मीद से ज़्यादा ही मिलेगा आपको यहाँ पे। ओके, तो शुरुआत कर दीजिए व्यूअर्स, आप सोचना बंद कर दो सबसे पहले तो, और अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर लेके आओ। ओके, सो व्यूअर्स ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूअर्स की है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में, नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।